हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और डेली व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। एंड अपने तो जार वगैरह रहते हैं ना, उसके बॉक्स ही अपने ऑर्डर दिए थे सिटी में। आज अपना वो सारा मटेरियल रेडी हो गया। कल अपने फर्स्ट फैक्ट्री वालों का कॉल आया था कि आपका सारा सामान रेडी, आप लेके जा सकते हैं। तो बस आज अपना वही सामान लेने के लिए अपने सिटी जाने वाले हैं। एंड अपना दोस्त अपने साथ जाएगा। उसके अलावा अपने पास कुछ मस्टर्ड ऑयल के ऑर्डर हैं, इधर सब मस्टर्ड ऑयल पैक कर रखा, बाकी कुछ में थोड़ा बहुत ही घी पैक कर रखा है। तो सिटी जाएंगे तो ये सारा सामान ये अपने साथ ही ले जाएंगे। बाकी इधर जो अपने लेबल वगैरह लगाते हैं ना बॉक्स के ऊपर, ये वाले तो वैसे रोल आते हैं, बट अपने पास वैसा वाला प्रिंटर है, इसमें रोल डलता नहीं, तो पहले से अपने ऐसे छोटे छोटे मतलब कट करके रख लेते हैं और ये अपने जो प्रिंटर इसमें डल जाते हैं। सारा सामान इस कट्टे में पैक कर लिया हमने, अभी लेके चलते हैं सिटीज को। अपने सिटी पहुंच गए, सामने अपने जो ग्लास वाले जार हैं वो रखे हुए हैं थोड़े से, बाकी इधर ये रखे हुए हैं, ये लगे हुए आपको दिखाई दे रहे ना। तो ये सब अपन बाद में गाड़ी में लोड करेंगे, इससे पहले अपन दूसरी सिटी जाके और जो अपने बॉक्स वगैरह बनवाए ना वो लोड करने। अपने वो बाइक को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, इससे आगे हम इस छोटे हाथी में जाएंगे। अपने ड्राइवर साहब है अपने राजवीर दोस्त। अभी हम फैक्ट्री में पहुंच गए, ये अपना सारा मटेरियल रेडी हो रखा बॉक्स, ये देखिए आप लोग, ये सब अपने ही बॉक्स हैं। इसमें जो अपने आधा लीटर वाले जार, एक लीटर वाले जार हैं, जो बोतल वगैरह हैं, मतलब सभी के बॉक्स इधर ही हैं। और बाहर अपनी एक गाड़ी लगी हुई, इसमें लोड हो रहा मटेरियल। अपना दोस्त रजनीश लगा हुआ लोडिंग में। अपनी गाड़ी लोड हो गई, ये देखिए आप लोग, तिरपाल वगैरह सब डाल दिया क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो रखा ना। तो अभी चलते हैं और अभी चल के जो अपने ग्लास वाले जा रहे हैं ना वो भी लोड करने गाड़ी में। जस्ट अभी घर पहुंचे हैं, ये अपनी गाड़ी आ गई। हाँ थोड़ा और पीछे, इधर आ जाएगा। हाँ अभी रात के लगभग 8-8:30 बजे रखे हैं। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, इधर ही रोक दे ना, बस ठीक है। अभी सुबह का टाइम है, कल शाम को अपने पास जो मटेरियल आया था कल रात को तो नहीं दिखा पाया क्योंकि उस टाइम पे लाइट थी नहीं, तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी अभी सुबह दिखाता हूँ आपको, ये सारा मटेरियल आया है अपने पास। बाकी ये तो इधर थोड़ा सा रखा हुआ है, अंदर अपने ऑफिस में रखा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। इधर ये जो कुछ अपने आधा लीटर एक लीटर वाले बॉक्स हैं एंड जो कुछ बोतलें हैं उन सब के बॉक्स रखे हुए हैं। बाकी इधर ये सब जा रहा है अपने पास। मैंने 20 बॉक्स तो एक लीटर वाले जार के, यानी कि लगभग 400 जार एक लीटर वाले जार के मंगवाए हैं। एंड बाकी कुछ 10-1 बॉक्स मैंने मंगवाए हैं आधा लीटर वाले। बाकी इधर ये बोटलें लगी हैं, बोटलों के मैंने 10 बॉक्स मंगवाए हैं, यानी कि अप्रोक्स 250 बोटलें हो जाती हैं जिसमें अपना ऑयल वगैरह पैकिंग करेंगे। बाकी जार आ गए इधर और ये कुछ बॉक्स हैं, बाकी अंदर अपने ऑफिस में भी दिखाता हूँ आपको। बाकी कुछ सामान अंदर अपने ऑफिस में रखा हुआ, ये देख लीजिए आप लोग, ये सभी जारों के एंड कॉइन के बॉक्स रखे हुए हैं। और इधर एक कुछ स्टील कैन भी लेके आया मैं, ये लगभग 15 पीस लेके आया हूँ मैं, और सभी विदाउट जॉइंट वाले हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली कैन है ये। और ये सारा मटेरियल मैंने इधर ही इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको अपन इधर लगाएंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे, क्योंकि ये रूम अपना खाली खाली सा रहता ना तो आवाज़ में खो जाती है, यानी कि आवाज़ गूंजती है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता ऑडियो। बाकी इधर कुछ मास्टर बॉक्स हैं, मास्टर बॉक्स मतलब जो कस्टमाइज ऑर्डर रहते हैं, यानी कि कोई कस्टमर को 1 किलो घी के अलावा
ऑयल की बोतल भी चाहिए, तो दोनों को एक साथ पैकिंग के लिए, जैसे इसमें दो बॉक्स एक साथ आ जाएंगे, इसमें दो बॉक्स एक साथ आ जाएंगे, जैसे आधा आधा लीटर वाली आ जाएंगे, इसमें एक लीटर वाली आ जाएंगे, इसमें दो स्टील कैन एक साथ आएंगे। तो इस टाइप के मैंने कुछ मास्टर बॉक्स भी बनवाए हैं, तो ये सारा मटेरियल इधर रखा हुआ। और आज का छोटा सा व्लॉग इधर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम भाई।